रहे हैं जहां पर त्रिपुरा हिंसा की आंच लगातार देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के 3 शहरों में बवाल देखने को मिल रहा है, गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव हुआ है। आपको बता दें, खास तौर से अमरावती, नांदेड़ और नासिक में हिंसा का माहौल बना हुआ है। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की यहां पे कोशिश की है, और जिसके बाद आपको बता दें कि अमरावती बंद का आह्वान भी किया गया। महाराष्ट्र तक अब ये त्रिपुरा हिंसा आज पहुंच चुकी है। 3 शहरों में लगातार हम देख रहे हैं बवाल मचा हुआ है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है। हालांकि अब सिचुएशन ये भी बताया जा रहा था कि अंडर कंट्रोल है, पुलिस लगातार मुस्तैद है, लेकिन इन पुलिस कर्मियों पर भी पथराव लगातार हो रहा है। और तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जब हिंसा हुई थी और किस तरीके से आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। वहीं एक और बड़ी खबर, शुक्रवार को मालेगांव में हुए 2 समुदाय के आपसी झड़प में अब 3 पुलिस अधिकारी और 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि इस हिंसा में 3 नागरिक भी जख्मी हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए SRPF के 2 टुकड़ी और नासिक पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हालांकि शहर में फिलहाल शांति है, लेकिन मालेगांव के पुराने इतिहास को देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। झड़प के दौरान 3 लोग घायल भी हुए थे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और उसके बाद नासिक पुलिस बल की यहां पे तैनाती की गई। पूरा की घटना का असर मालेगांव पर भी दिखा। महाराष्ट्र के मालेगांव में शुक्रवार को बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन इसी बंद के विरोधी और समर्थकों के बीच पथराव हुआ, लिहाजा मालेगांव का कई इलाका उपद्रवियों के निशाने पर चढ़ा। ये अंबेडकर चौक है जहां उपद्रवियों ने पथराव किया था। इसके अलावा गफार मार्केट, ST बस स्टैंड, शिवाजी पुतला चौक, कई ऐसे इलाके थे जहां उपद्रवियों के जरिए पथराव किया गया। फिलहाल पुलिस का भारी बंदोबस्त है। धूले से 2 SRPF यानी स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की 2 कंपनियों को बुलाई गई है। नासिक से जो ग्रामीण पुलिस है उसे भी बुलाया गया है। कुल मिलाकर यहां पुलिस का लगभग 700 स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है, और इसके अलावा नासिक के ग्रामीण पुलिस बल को बुलाया गया है। कुल मिलाकर लगभग 2000 पुलिसकर्मियों को इस इलाके में लगाया गया है और भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। फिलहाल शहर अपने मिजाज से है, हालांकि छुटपुट दुकानें जरूर खुली हुई हैं, लोग अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन ये भी है कि पूरे माहौल में एक तनाव का माहौल भी है। लिहाजा मालेगांव के अगर इतिहास को देखें तो सबसे पहले 1993 में यहाँ दंगे हुए थे, इसके बाद 2001 में, और इसके बाद 2006 और 2008 में यहाँ बड़ा कब्रिस्तान इलाके में बम धमाके हुए थे। लिहाजा मालेगांव देश के मानचित्र पर इस तरह से जाना जाता है कि कहीं कोई छुटपुट घटना होती है तो मालेगांव भी डिस्टर्ब माना जाता है। लिहाजा इसलिए पूरे बंदोबस्त भी किए गए हैं और लोगों को शांत रहने का आह्वान भी किया गया है। कैमरामैन मुश्ताक के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मालेगांव।